नमस्कार, और आज हम खड़े हैं ब्रिटिश लग्जरी एसयूवी के सामने जिसका नाम है रेंज रोवर। 1969 में लॉन्च हुई थी और ये 2022 का फिफ्थ जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। पेट्रोल और डीजल में आती है। रेंज शुरू होती है एक्स शोरूम 2.38 करोड़ रुपीज़ से और टॉप मॉडल की कीमत है 4.17 करोड़ रुपीज़। और ये D350 3 लीटर डीजल लॉन्ग व्हील बेस ऑटोबायोग्राफी आप देख रहे हैं जिसकी कीमत है 3 करोड़ रुपीज़। ये 5 सीटर मॉडल है। 7 सीटर ऑप्शन में भी आती है रेंज रोवर। L460 कोड नेम इस जनरेशन रेंज रोवर का। ये दुनिया की सबसे फेमस एसयूवीज में से एक है जो सिर्फ अपने नाम से बिकती है। अपने शानदार लुक्स, लग्जरी और ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए यह जानी जाती है। ये लैंड रोवर ब्रांड की सबसे महंगी कार है। इसे फेमस कार डिज़ाइनर गैरी मैकगवन ने डिज़ाइन किया है, जिन्होंने डिफेंडर भी डिज़ाइन की है। यूके के सोलिहुल शहर में असेंबली होती है रेंज रोवर की। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है। स्टैंडर्ड व्हील बेस और प्लग इन हाइब्रिड मॉडल्स भी अवेलेबल हैं रेंज रोवर के। गोल्ड और ब्लैक एक्सटीरियर पैक्स के ऑप्शंस हैं। लैंड रोवर के मॉड्यूलर लॉन्गिट्यूडनल आर्किटेक्चर MLA फ्लेक्स प्लेटफॉर्म पर बनी है रेंज रोवर, जिस पर रेंज रोवर स्पोर्ट भी बनी है। और ये LED फॉग लाइट, फ्रंट सेंसर्स, बीच में कैमरा, और ये है 5-bar ग्रिल, लैंड रोवर का लोगो, रेंज रोवर की बैजिंग, और ये है ऑटोमेटिक डिजिटल LED हेडलाइट, सिग्नेचर DRL, प्रेडिक्टिव अडेप्टिव फ्रंट लाइटिंग, वॉशर, एनिमेटेड डायरेक्शन इंडिकेटर्स, ऑटोमेटिक हेडलाइट लेवलिंग, 1.2 मिलियन इंडिविजुअली कंट्रोलेबल डिजिटल माइक्रोमिरर डिवाइसेस और इमेज प्रोजेक्शन के साथ। बोनेट पे डिज़ाइन, हीटेड विंड स्क्रीन है, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, और ये D350 ऑटोबायोग्राफी मॉडल की बैजिंग, सनरूफ है, 2 शार्क फिन एंटेना है, 4-wheel drive सिस्टम है, हीटेड इलेक्ट्रिक पावर फोल्ड ऑटो डिमिंग आउटसाइड मिरर्स हैं, अप्रोच लाइट्स, कैमरा और टर्न इंडिकेटर के साथ, स्टाइलिश डिजाइन, ऑटोबायोग्राफी की बैजिंग, मीटर लेंथ है, 1.9 मीटर हाइट है, 11 मीटर टर्निंग सर्कल है, 294 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, 900 mm तक पानी में जा सकती है, 2500 kg कर्ब वेट है, 3300 kg ग्रॉस वेट है, 100 kg रूफ लोडिंग कैपेसिटी है और 3500 kg तक का वजन खींच सकती है रेंज रोवर। और ये है 22 इंच के डायमंड टर्न अलॉय व्हील, 20 और 21 इंच के अलॉयस का भी ऑप्शन है। आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, लॉकिंग व्हील नट्स हैं, रियर डिस्क ब्रेक्स, और यहां से भरेंगे डीजल। साइड में डेफ एड ब्लू टैंक है। ये ओस्टोनी पर्ल व्हाइट कलर आप देख रहे हैं। ब्लैक, ग्रे, ब्लू, सिल्वर, ग्रीन, ब्रॉन्ज, रेड, ऑरेंज और गोल्ड कलर का भी ऑप्शन है। SV Bespoke के अंदर आप अपनी पसंद का कोई भी इंटीरियर या एक्सटीरियर कलर करवा सकते हैं। ब्लैक रूफ कलर है, बॉडी कलर रूफ का भी ऑप्शन है। एकॉस्टिक लैमिनेटेड ग्लास हैं शांत केबिन के लिए। ऑल व्हील स्टेयरिंग है, बढ़िया ड्राइव, हाई स्पीड स्टेबिलिटी और लो स्पीड एजिलिटी के लिए। रियर सेंसर्स, फॉग लाइट है, 2 एग्जॉस्ट टेल पाइप, ट्विन स्पीड ट्रांसफर बॉक्स है हाई और लो रेंज के लिए, रेंज रोवर की बैजिंग, रियर कैमरा, रियर वाइपर, स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, और ये कैमरा, और ये है LED टेल लैम्प एनिमेटेड डायरेक्शनल इंडिकेटर्स के साथ। टेल लैम्प जब तक ऑन नहीं होंगे तब तक हिडन रहेंगे। लैंड रोवर की बैजिंग, इलेक्ट्रॉनिक एयर सस्पेंशन है डायनेमिक रिस्पांस प्रो के साथ, कंफर्ट और बढ़िया ऑन रोड परफॉर्मेंस के लिए। टेरेन रिस्पांस 2 है जो व्हीकल सिस्टम को सरफेस या कंडीशन के हिसाब से सेट कर देगा। अडेप्टिव डायनेमिक्स हैं जो 500 times बॉडी और स्टेयरिंग मूवमेंट को मॉनिटर करके आपको देगा स्मूथ राइड और कंट्रोल। बोट टेल रियर डिज़ाइन है, कम विंड नॉइज और बढ़िया एरोडायनामिक्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक एक्टिव रियर लॉकिंग डिफरेंशियल है जो ऑफ रोडिंग में ज़्यादा ग्रिप के लिए व्हील्स और रियर एक्सल के बीच स्लिप को कंट्रोल करेगा।
टॉर्क वेक्टरिंग बाय ब्रेकिंग है जो चारों व्हील्स में इंजन टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस करेगा बढ़िया हैंडलिंग और कॉर्नरिंग के लिए। सेफ्टी के अंदर 4 एयरबैग्स, ABS, CBD, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सिक्योर ट्रैकर व्हीकल लोकेटर, कीलेस एंट्री, 3D सराउंड कैमरा, ड्राइवर कंडीशन रिस्पॉन्स, पार्क असिस्ट, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल लॉन्च असिस्ट, डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल, लो ट्रैक्शन लॉन्च, रोल स्टेबिलिटी कंट्रोल, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, ब्रेक होल्ड, ट्रेलर स्टेबिलिटी असिस्ट, इंट्रूजन सेंसर, कस्टमर कन्फिगरेबल ऑटो लॉक, पावर ऑपरेटेड चाइल्ड लॉक, ISO फिक्स्ड चाइल्ड सीट माउंटिंग और फर्स्ट एड किट जैसे फीचर्स मिलेंगे। ये पेट्रोल मॉडल है, इसमें भी 2 एग्जॉस्ट टेल पाइप्स मिलेंगे। एक्सेसरीज में भी कई ऑप्शंस मिलेंगे जैसे डिप्लॉयबल साइड स्टेप, मड फ्लैप, कारपेट्स, लगेज पार्टीशन नेट, कूल बॉक्स, पेट एक्सेस रैंप, सनशील्ड, सीट बैक स्टोरेज, चाइल्ड सीट, पेट कैरियर, रूफ बॉक्स, साइकिल कैरियर, इलेक्ट्रिकली डिप्लॉयबल टो बार, एलॉयज, लाइफस्टाइल कलेक्शन और बहुत कुछ। दुनिया की सबसे फेमस SUVs में से एक है रेंज रोवर। इसकी अपनी ही एक कल्ट फॉलोइंग है। आइए बूट ओपन करके देखते हैं। स्प्लिट टेल गेट है, तो यहाँ आपको मिलेगी 818 लीटर की बूट स्पेस। सेकेंड रो सीट्स फोल्ड करने पर 1050 लीटर की स्पेस बन जाएगी। फॉग लाइट, ये 5 सीटर मॉडल है, 7 सीटर में थर्ड रो सीटिंग आ जाएगी। साइड में लाइट, हुक, फर्स्ट एड किट, 12 वोल्ट का पोर्ट, इधर भी लाइट दी गई है, हुक्स हैं, और ये सीट फोल्ड, लोड कवर और सस्पेंशन हाइट के कंट्रोल्स। स्पेयर व्हील, टूल किट, यहाँ आप अपना सामान रख सकते हैं, एडजस्टेबल नेट्स हैं और स्पेशल ओकेजन के लिए ये है टेलगेट इवेंट सुइट। यहाँ पे कुशन का भी ऑप्शन है। टेलगेट स्पीकर्स और लाइटिंग है बढ़िया आउटडोर रिलैक्सेशन के लिए। यहाँ से ये क्लोज होगा, ये कवर है, स्ट्रैप्स हैं, ऑटो फोल्डिंग लोड स्पेस कवर है, ऑटो फोल्डिंग सीट्स हैं, और 1 टच से क्लोज जाएगा बूट। आइए पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोलकर देखते हैं। फ्लश डिप्लॉयबल डोर हैंडल्स हैं जो आपके कार के पास आते ही बाहर आ जाएंगे। थर्टी फोर स्पीकर्स का मेरिडियन सिग्नेचर सराउंड साउंड सिस्टम मिलेगा रेंज रोवर में। 1 टच ओपन क्लोज पावर विंडोज हैं एंटी ट्रैप फंक्शन के साथ। वुड विनियर, ग्लॉस ब्लैक का भी ऑप्शन है। डोर पे डबल सीलिंग है शांत केबिन के लिए। 3 मेमोरी सीट के फंक्शंस हैं,
ये पावर विंडो, लाइट, सन ब्लाइंड और म्यूजिक म्यूट करने के बटन्स। डोर लॉक अनलॉक करने के बटन्स। स्पीकर, काफ़ी स्पेस, लाइट है। और ये लैंड रोवर के हेडफोन्स, इनको आप रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। और ये इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट। और ये है ब्राउन परफोरेटेड सेमी एनालाइन लेदर अपॉस्ट्री। ब्लैक, वाइट, रेड लेदर और फैब्रिक अपॉस्ट्री का भी ऑप्शन है। ये 5 सीटर मॉडल है, 7 सीटर का भी ऑप्शन है। 7 सीटर में थर्ड रो आ जाएगी। एग्जीक्यूटिव क्लास कंफर्ट प्लस रियर सीट्स हैं। आगे पीछे सीट्स में वेंटिलेशन, हीटिंग और मसाज फंक्शंस मिलेंगे। रियर सीट्स के बीच में सेंटर कंसोल का भी ऑप्शन है, टेबल और मिनी फ्रिज के साथ। 30 कलर्स में केबिन लाइटिंग है। हेडरेस्ट पे स्पीकर्स हैं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के लिए। पीछे 2 11.4 इंच की कर्व्ड ग्लास टच स्क्रीन्स मिलेंगी जो सपोर्ट करेंगी HDMI और बहुत कुछ। ब्लैक रूफ लाइनर का भी ऑप्शन है। सीट के पीछे पॉकेट्स मिलेंगे। मेरिडियन के स्पीकर, पावर डिप्लॉइंग सेंटर कंसोल है। और यहाँ नीचे 230 वोल्ट का पोर्ट। और ये AC कंट्रोल्स। और ये 2 USB पोर्ट, 12 वोल्ट का पोर्ट, 2 AC वेंट। यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस दी गई है। और ऐसा दिखता है डैशबोर्ड, नेचुरल वुड विनियर्स हैं। डैशबोर्ड पे अब तक की सबसे बड़ी टच स्क्रीन है जो लैंड रोवर कार में लगी है। ये हुक, यहाँ ऊपर भी हुक दिया गया है। साइड में AC वेंट, रीडिंग लाइट, हैंडल बार, आर्मरेस्ट के अंदर थोड़ी स्पेस। और ये वैनिटी मिरर। इसके अंदर भी काफ़ी स्पेस है। 2 HDMI पोर्ट, USB पोर्ट, लाइट दी गई है। और ये है 8 इंच रियर सीट टच स्क्रीन कंट्रोलर। यहाँ से आप सीट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सीट पूरी रिक्लाइन हो जाएगी। और ये लेग रेस्ट। ये ऑटोमैन। यहाँ से आप पूरी सीट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप सीट को सेलेक्ट कर सकते हैं, हेडरेस्ट भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। सीट हीटिंग, मसाज, और यहाँ पर 2 ग्लास होल्डर्स। AC की सेटिंग्स, एयर क्वालिटी, क्लाइमेट,
लाइट के कंट्रोल्स, रीडिंग लाइट्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। और ये एम्बिएंट लाइटिंग, कई सारे कलर्स हैं, ये कलर्स आप चेंज कर सकते हैं। सनरूफ ब्लाइंड को आपको कितना खोलना है वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स, सेटिंग्स, यहाँ से भी आप बूट एक्सेस कर सकते हैं। स्पीकर, रीसेट करने पे सीट ऑटोमेटिक अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। आइए ड्राइवर साइड डोर खोल कर देखते हैं। यहाँ पर भी डोर पे नीचे स्पीकर हैं, काफ़ी स्पेस दी गई है। वुड विनियर है, तीन मेमोरी सीट के फंक्शंस हैं, ये पावर विंडो के कंट्रोल्स, ORVM के कंट्रोल्स, डोर लॉक अनलॉक करने के बटन, काफ़ी स्पेस, स्कफ प्लेट, ये टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन, कमांड ड्राइविंग पोजीशन है, 24-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स हैं हॉट स्टोन मसाज के साथ। इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेड हीटेड स्टीयरिंग है, कारपेट, पेडल्स, बोनेट खोलने का लीवर, बूट खोलने का बटन, AC वेंट और ये आर्म रेस्ट, इल्यूमिनेटेड सीट बकल्स हैं। आर्म रेस्ट के अंदर रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट है, काफ़ी हैवी कूलिंग है इसकी। यहाँ पर दो ग्लास होल्डर, यहाँ पर भी USB पोर्ट, काफ़ी स्पेस है। और ये ड्राइव मोड सेलेक्टर, लो रेंज बटन, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये वॉल्यूम कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और ये है ZF का 8-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। और यहाँ USB पोर्ट, वायरलेस चार्जिंग, और ये है 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल AC, केबिन एयर प्यूरिफिकेशन प्रो सिस्टम और PM2.5 फिल्टर के साथ। ये टेम्परेचर कंट्रोल, इसको दबाएंगे तो फैन के कंट्रोल, और ये है 13.1 इंच का एडवांस PV प्रो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट हैप्टिक कंट्रोल्स के साथ। सपोर्ट करेगा वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, USB वॉइस कंट्रोल, रिमोट, ब्लूटूथ, ऑल टेरेन इन्फो सेंटर, FM और रेडियो। ये वेट सेंसिंग, 4x4 इन्फो, ये राइड हाइट, नॉर्मल, एक्सेस, ऑफ रोड, यहां से आप हैप्टिक फीडबैक ऑन कर सकते हैं।
ये ऑटो थीम, लाइट थीम, डार्क थीम, होम स्क्रीन ऑडियो, नेविगेशन, फोन, मीडिया, नेविगेशन, सीट के कंट्रोल्स, क्लाइमेट के कंट्रोल्स, एयर क्वालिटी, क्लाइमेट, वेंट्स, वैले मोड, कैमरास, 360 डिग्री व्यू है, ये फ्रंट कैमरा डिस्प्ले, ये ऑफ रोड व्यू, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, इको डेटा, ड्राइविंग स्टाइल, एनर्जी इंपैक्ट, इको टिप्स, डायनेमिक मोड, ये लैप टाइमर, ये जी फोर्स मीटर, 4x4 इंफॉर्मेशन, वेट सेंसिंग, लो ट्रैक्शन लॉन्च, व्हीकल डायमेंशंस, केबिन लाइटिंग, कई सारे कलर्स हैं, पार्क असिस्ट, कनेक्टिविटी सेटिंग्स, व्हीकल सेटिंग, जनरल सेटिंग्स, सॉफ्टवेयर अपडेट, प्रोफाइल्स, होम स्क्रीन, और ये नेविगेशन, ये राइड हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये नॉर्मल हाइट, ये ऑफ रोड हाइट आप कार लिफ्ट होते हुए देख सकते हैं, दो एसी वेंट, और ये शानदार डैशबोर्ड के फिनिश, स्पीकर्स हैं, और ये हेड अप डिस्प्ले जो दिखाएगा स्पीड, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और ऑफ रोड इंफॉर्मेशन। ये ऑफ रोड इंफॉर्मेशन, स्पीकर, यहाँ पर भी स्पीकर, लॉकेबल ग्लो बॉक्स है लाइट के साथ, अपर कूल ग्लो बॉक्स है, ट्विन ब्लेड सन वाइजर है वैनिटी मिरर के साथ, और ये क्लियर साइट ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर, डिजिटल स्क्रीन है रियर कैमरा डिस्प्ले के साथ, और ये है स्लाइडिंग पैनारोमिक सनरूफ इलेक्ट्रिक ब्लाइंड के साथ। इमरजेंसी SOS का बटन, और ये ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ, और ये है सॉफ्ट ग्रेन लेदर स्टीयरिंग व्हील, वुड फिनिश का भी ऑप्शन है, ये फोन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वॉइस कंट्रोल, वॉल्यूम के कंट्रोल, रेंज रोवर की बैजिंग, और ये हीटेड स्टीयरिंग और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल स्टीयरिंग असिस्ट के साथ, पैडल शिफ्टर, वाइपर के कंट्रोल्स, लाइट के कंट्रोल्स, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, और ये है 13.7 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर,
ये दिखाएगा कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल लेवल, डेट, आउटसाइड टेम्परेचर, स्पीड, आरपीएम, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, 4x4 इंफॉर्मेशन, मैप और कई इंफॉर्मेशन। इन्फो पैनल, ड्राइवर असिस्टेंस, नेविगेशन, मीडिया, ट्रिप समरी। यहाँ से आप डिस्प्ले लेआउट चेंज कर सकते हैं। ये मैप व्यू, ये फोकस्ड व्यू, ट्रिप सिलेक्शन, एवरेज, रेंज, व्हीकल सेटिंग्स। आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं डीजल इंजन। तो ये है 3000 सीसी इनलाइन 6 सिलेंडर ट्विन टर्बो D350 इंजीनियम डीजल इंजन 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ। 346 हॉर्स पावर है, 700 Nm टॉर्क है, 0-100 की स्पीड पकड़ेगी 6.3 सेकंड्स में, 234 किलोमीटर पर आर के टॉप स्पीड है और 13 का एवरेज मिलेगा 80 लीटर के फ्यूल टैंक से। पेट्रोल में तीन इंजन के ऑप्शंस हैं, एक 3000 सीसी इनलाइन 6 सिलेंडर P400 इंजीनियम इंजन, 394 हॉर्स पावर, 550 Nm टॉर्क, 242 किलोमीटर पर आर के टॉप स्पीड और 10 का एवरेज मिलेगा 90 लीटर के फ्यूल टैंक से। दूसरा 3000 सीसी इनलाइन 6 सिलेंडर P510E इंजीनियम इंजन प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम के साथ, 503 हॉर्स पावर, 700 Nm टॉर्क, 242 किलोमीटर पर आर के टॉप स्पीड और 111 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज, 71.5 लीटर के फ्यूल टैंक से। तीसरा 4400 सीसी V8 P530 BMW N63 इंजन, 530 हॉर्स पावर, 750 Nm टॉर्क और 8 का एवरेज। आइए आपको पेट्रोल इंजन दिखाते हैं। लोगो प्रोजेक्शन, तो ये है 3000 सीसी इनलाइन 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन और ये डीजल इंजन है इंजीनियम। तो कैसे लगी आपको रेंज रोवर हमें कमेंट्स में बताइए, थैंक यू। आइए डीजल इंजन की साउंड सुनते हैं। आइए पेट्रोल इंजन की साउंड सुनते हैं।